हेलो हेलो, मुझे करण से बात करनी है। करण कहाँ है? करण तो अभी तक नहीं आया है। देखिए, मैं सिमरन बोल रही हूँ। वो जैसे ही घर आए उसे मुझे फोन करने के लिए कहिए, प्लीज। इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। ओके जी, ठीक है, थैंक यू। पिया बेटा, सुंदर लग रही, डरना कर किसी की नजर लग जाए तुझे। कितने वर्षों से तुझे इस रूप में देखने के लिए इस दिन का इंतजार कर रही थी। आज दिल को इस बात का सुकून है, लेकिन दूसरी तरफ ये सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है कि आज इस घर से चली जाएगी, आज पराई हो जाएगी पिया। उम्मीद करती हूँ बेटा कि तुझे अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया, और अगर फिर भी तुझे अपनी मम्मा से शिकायत है तो कह देना पिया, अपनी मम्मा से शिकायत कर लेना। नहीं नहीं मम्मा, तुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अब रो मत, मेकअप खराब हो जाएगा। मैं नीचे जाकर देखती हूँ सारी तैयारियां हुई या नहीं। बारात आने वाली है। करण आ गया तू? कब से तेरा वेट कर रहा हूँ यार। वो सिमरन का फोन आया था तेरे लिए, कह रही थी कुछ अर्जेंट काम है। सिमरन भाभी का फोन? हेलो पिया, क्यों फोन किया मुझे? क्या चाहते हो? ये जानते हो ना कि आज मेरी शादी है? ये जानने के बावजूद कि मेरी शादी है तुमने मुझे फोन किया? पिया वो ताकि मुझे दुख पहुंचे, मुझे तकलीफ हो, मुझे दर्द हो। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझे भूल जाओगे, कि तुम मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करोगे, मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करोगे, मेरी जिंदगी में वापस आने की कोशिश नहीं करोगे। तुम जानते हो ना हमारे बीच सब खत्म हो चुका है करण, और आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, मुझे कभी फोन मत करना। हाँ पिया, ठीक कह रही हो तुम, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ। मैं तुम्हें भुला देने का वादा कर चुका हूं, लेकिन इस वादे को निभाना कितना मुश्किल है ये सिर्फ मैं जानता हूं पिया, सिर्फ मैं। करण,
पिया, पिया प्लीज चुप हो जाओ, मत रो इस तरह। तुमने ये फैसला मम्मी की खुशी के खातिर किया है ना। आई विल प्रे कि तुम्हें अपने इस फैसले पर कभी ना पछताना पड़े। अम्मा तुम्हें वो सारी खुशियां दे जो तुम डिजर्व करती हो। और देखना पिया, शादी होते ही सब ठीक हो जाएगा। नहीं रिया, मैं करण के बिना खुश हो ही नहीं सकती हूँ। फिर भले ही क्यों ना अमन मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दे दे, लेकिन मेरी जिंदगी तो करण है। मेरे सारे अरमान, सारी ख्वाहिशें अंदर ही अंदर मर चुकी है। पिया मुझे जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं है अब। मत कहो ऐसे पिया, मत कहो। सुन, मैं तुझे एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रही हूँ। बताओ पिया। अब तुझे मम्मा पापा का ख्याल रखना है कि हर सिचुएशन में तू उनका साथ देगी। उनकी खुशी, उनकी मर्जी, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा तुझे। प्लीज टेक केयर ऑफ देम। ठीक हूँ। अरे पूजा का सारा सामान मुझे वहीं चाहिए। हाँ, वहीं रहने दीजिए। रमेश इधर आओ, ये पीली वाली लट लो, यहाँ से शुरू करो। दिखाई नहीं देता। I'm sorry शनाया, वो शायद मैं देख नहीं पाया और गलती से मुझसे खूबसूरत हादसा हो गया। सुनो, इन खूबसूरत नाजुक फूलों का क्या कसूर है भाई? इन्हें क्यों लोगों के पैरों तले कुचलने के लिए छोड़े जा रहे हो? चले सुनो तो, कमाल, कुछ ज्यादा ही शर्मा गई है तुम। ये लड़कियां मैं ना, हेलो, हाँ जी जी, मैं अभी सबको कह देता हूँ। जी हाँ, अरे रूहान चाचा जी, अरे सुनिए सब लोग, अभी अभी अमन के घर से फोन आया, बारात निकल चुकी है, जो भी तैयारी है जल्दी कर लीजिए, वो लोग कभी भी यहाँ पहुंच। ओह नो, अब क्या करूं मैं? बारात वहां से निकल चुकी है और अभी तक करण का फोन नहीं आया। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे अमन के घर दोबारा जाना ही होगा। मैं जानती हूं सिमरन कि तुम इस वक्त कहां जा रही हो, पर मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम खुद के लिए एक नई मुसीबत मोल लेने जा रही हो। मुसीबतों को दावत देना तो जैसे तुम्हारी आदत बन चुकी है। जाओ, क्योंकि इसके बाद जो होगा उसमें मेरा फायदा और तुम्हारा कितना नुकसान है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। ये सिमरन कहाँ चली गई है इन मौके पर? रोहन यहाँ आओ बेटा। जी मामा। बेटा तुमने सिमरन को कहीं देखा है? बारात आने वाली है। मामा सिमरन यहीं होगी, और कहाँ होगी? बेटा मैंने हर जगह उसे देख लिया, वो कहीं पे भी नहीं है। वो बहू है इस घर की, बारात का स्वागत करने के लिए उसका होना बहुत जरूरी है। जरा देखना वो कहाँ है। ओके
अरे तुम दोनों ने सिमरन को कहीं देखा है क्या? भाभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं थी, क्यों भैया? पता नहीं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मामा भी ढूंढ रही हैं, सिमरन मिल नहीं रही है। क्या बात है भैया, आजकल सिमरन भाभी बार बार गुम हो जा रही है, जरा नजर रखा कीजिए उन पर। यार राइट, जाओ काम करो, बहुत काम है। ओके सिमरन, फोन क्यों नहीं उठा रही? ये तो सिमरन का फोन है, ये फोन तुम्हें कहाँ से मिला? सिमरन फोन घर पर भूल गई है, शायद किसी जरूरी काम से बाहर गई है। सिमरन बाहर गई है? तुम्हें पता है सिमरन कहाँ गई है? मेरे अंदाजे से अमन के घर गई है। रुहान तुम अपसेट लग रहे हो, सिमरन के वहां जाने से नाराज हो। देखो रुहान, तुम्हें सिमरन पे नाराज नहीं होना चाहिए। अब सिमरन बेचारी भी क्या करे, उसकी तो आदत है, जो काम एक बार हाथ में ले लेती है उसे पूरा किए बगैर उसे चैन नहीं आता। सिमरन को अब भी अमन के घर वालों पर शक है, लेकिन सिमरन के शक की कोई ठोस वजह समझ में नहीं आती। पता नहीं क्यों अमन और उसके घर वालों के पीछे पड़ी है, शायद इसलिए कि पिया की शादी अमन से हो रही है। शायद सिमरन को यह अच्छा नहीं लगा कि उसका फैसला स्वीकार नहीं किया गया। आखिर वो तो चाहती थी कि पिया की शादी करण से हो जाए। तुम्हें क्या लगता है रुहान? सुनो मेरी बात सुनो, प्लीज मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। देखो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और बदले में तुम भी मेरी मदद कर सकती हो। किसी मासूम जिंदगी का सवाल है, उसकी खुशियों का सवाल है, मैं जानती हूँ तुम ही हो जो उसकी मदद कर सकती हो। प्लीज, इस घर में कोई राज छिपा हुआ है और वो राज तुमसे जुड़ा हुआ है, और अगर नहीं तो तुम उस राज के बारे में सब कुछ जानती हो। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरी बात को समझो, मुझे उस राज के बारे में सब कुछ बता दो, प्लीज। आपने ठीक समझा, इस घर का एक बहुत बड़ा राज है जो मुझसे जुड़ा है। मेरा नाम मनोरमा है, मिसेस मनोरमा अमन सक्सेना, मैं अमन की पत्नी हूँ।
वरमाला के लिए खड़े हो जाए। क्योंकि ये शादी नहीं होगी।